में 27 फरवरी से शुरू होने जा रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में कुछ 67 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 4 संवेदनशील केंद्र हैं। जनपद में इस बार हाई स्कूल स्तर के 3,583 जबकि इंटर स्तर के 3,132 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर पहली बार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षाएं संपन्न होंगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हमारे पास इस समय इंटरमीडिएट में 36 बच्चे और हाई स्कूल में 41 बच्चे परीक्षार्थी के रूप में इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आज इसी परीक्षा के संदर्भ में कक्ष निरीक्षकों की आवश्यक बैठक हमने अभी संपादित की, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से हमारे विद्यालय में कक्ष निरीक्षक के रूप में जिन भी अध्यापकों और अध्यापिकाओं की ड्यूटी लगी है वो सभी इस बैठक में उपस्थित हुए। उन्हें इस परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और हमने इस परीक्षा की लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर दी हैं, जिसमें कक्षा कक्षाओं में बैठक व्यवस्था से लेकर और विभाग के द्वारा जो हमें अभी आदेश दिए गए थे सीसीटीवी कैमरा लगाने के, उसका कार्य भी हमारा प्रगति पर है, आज ही वो पूर्ण हो जाएगा। कस्टोडियन के रूप में यहाँ पर आया हूँ। मैंने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं की सारी व्यवस्था देख ली है, सब ठीक हैं, किसी तरह से कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सब ठीक चल रहा। रांची इंटर कॉलेज कोर्ट घी में पढ़ती हूँ और कल से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जिसे हमारी जो साल भर की तैयारी है, हमने जो साल भर हमने जो पढ़ा है कल उसका जो परीक्षा है उसे हमें देना है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाए और अच्छे नंबर का प्राप्त करके अपने स्कूल अपने गांव का नाम रोशन करें। मैं राजकीय इंटर कॉलेज कोटगी की छात्रा हूँ। कल से हमारे बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं और इसके लिए हम कई बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी बहुत अच्छी नंबर आए, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो।